नमस्कार किसान भाइयों, आज होली के पावन पर्व पर आप सभी को कार्यक्रम कृषि दर्शन की ओर से अनेकों बधाइयां और शुभकामनाएं। किसान भाइयों, फागुन का महीना आ चुका है। यह वह समय है जब चारों ओर भीनी भीनी खुशबू से वातावरण सुगंधित हो उठता है। टेसू के फूल तो मानो ऐसे लगते हैं जैसे धरती माँ ने श्रृंगार कर लिया हो, और ऐसे समय में होली का त्यौहार हम सभी के जीवन को रंगों से भर देता है। लेकिन तीज त्यौहार की खुशियों के बीच में हमें अपने कृषि कार्यों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही कृषि कार्यों से संबंधित सामयिक कार्यों की जानकारियों से सजा सवरा है हमारा आज का यह अंक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, टमाटर को कीट रोगों से बचाएं, आलू की खुदाई में आवश्यक सावधानी, सिंचाई जल का समुचित प्रबंध है, जैविक खेती की मिसाल कटनी का नैगवा गांव। मौसम के बदले मिजाज ने प्रदेश के किसानों को चिंता में डाल दिया है। राजस्थान के पास एवं पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बने हवा के कम दबाव के कारण प्रदेश भर में बेमौसम बारिश हुई है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है, कहीं कहीं तेज़ हवा के साथ ओला भी गिरा है। तेज़ हवा एवं बारिश के कारण रबी फसलों को नुकसान हुआ है। पक चुकी चना, मसूर, धनिया, सरसों एवं गेहूँ फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल खेतों में आड़ी हो गई है। बारिश का विशेष असर विंध्य क्षेत्र, महाकौशल, बुंदेलखंड एवं मध्य क्षेत्रों के 22 जिलों में ज़्यादा रहा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम खुलते ही तेज़ धूप निकलने से कटी फसलों में नुकसान कम होगा। टमाटर की फसल को फल छेदक कीट हेलिकोवर्पा से अत्यधिक नुकसान होता है। फल छेदक कीट अंडे से निकली इल्ली पत्तियों को खाना शुरू करती हैं तथा दूसरी अवस्था तक खाती हैं। उसके बाद यह फल में छेद करती हैं तथा फल के भीतर घुसकर फल को खाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए टमाटर की 15 कतारों के बाद एक कतार गेंदा की लगानी चाहिए। HANPV का छिड़काव 250 इल्ली समतुल्य प्रति हेक्टेयर करें। जैविक नियंत्रण के लिए निम्बोली सत 5% या नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करने पर कीट द्वारा अंड निक्षेपण कम होता है। कीट प्रकोप अधिक होने पर प्रोपेनोफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आलू की फसल से अधिक लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि आलू की खुदाई से लेकर भंडारण तक सावधानियां रखी जाएं, जिसके लिए आवश्यक है खुदाई के समय मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे आलू के कंधों पर मिट्टी चिपकने से बचाया जा सके। खुदाई के पश्चात आलू को 2 घंटे तक खेत पर रहने दें, जिससे छिलका कंधों पर मजबूती से चिपक जाए। इसके पश्चात कंधों को एकत्रित करें। आलू की खुदाई के पूर्व अंगूठे से रगड़कर देख लें, छिलका कच्चा हो तो कुछ दिन बाद खोदें। आलू की खुदाई आधुनिक मशीन से करने पर कंद सुरक्षित निकलते हैं, खुरपी व फावड़े से कंद छिल जाते हैं। बीज वाली फसल को ऊपर से पौधे को काट देते हैं तथा कटाई के 1 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए, जिससे कंद का छिलका नरम न रहे और आलू खराब न हो। पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग द्वारा फसलों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए भूमि में नमी की सही मात्रा बनाए रखना ही जल प्रबंधन कहलाता है। जल की खपत का अधिकांश भाग कृषि पर ही व्यय होता है और हमारी कृषि सिंचाई आधारित है। जल का कुशल प्रबंधन, दक्षतापूर्ण उपयोग न होने से किसान भाइयों को सिंचाई के पानी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सिंचाई के पानी की भारी मात्रा का खेत में पहुँचने से पहले बीच में नष्ट हो जाना, खेत में आवश्यकता से अधिक जल भराव की स्थिति, समय पर सिंचाई न होना, सतही विधियों में अधिक अपवाह होना इत्यादि कुशल सिंचाई प्रबंधन की राह में बाधक है। किसान भाई, सिंचाई जल का दक्षतापूर्ण उपयोग सिंचाई की उन्नत तकनीक ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाकर कर सकते हैं। कटनी जिले का ग्राम नैगवा जैविक खेती की मिसाल बन गया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रामसुख दुबे जैविक ग्राम नैगवा में गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। जैविक ग्राम नैगवा जिला कटनी से जबलपुर मार्ग पर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर बसा है। आदिवासी बाहुल्य इस गांव को जैविक नैगवा के नाम से जाना जाता है। 2000 जनसंख्या वाले इस गांव में लगभग 50 किसान हैं, जिनके द्वारा जैविक खेती की जाती है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
सबसे पहले हम बात करेंगे सोयाबीन उपज के मंडी भाव की। आगर में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 3,151 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,590 रुपए प्रति क्विंटल। दमोह में न्यूनतम भाव रहा 3,050 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,475 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 2,702 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 2,705 रुपए प्रति क्विंटल। खातेगांव में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,740 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,580 रुपए प्रति क्विंटल। बीकनगांव में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 5,900 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 7,629 रुपए प्रति क्विंटल। दतिया में जहां अरहर का न्यूनतम भाव रहा 4,110 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी रहा 4,110 रुपए प्रति क्विंटल। मुरैना में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 6,350 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी रहा 6,350 रुपए प्रति क्विंटल। राहतगढ़ में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 3,850 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,300 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करेंगे चना उपज के मंडी भाव की। उज्जैन में चना का न्यूनतम भाव रहा 4,270 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,317 रुपए प्रति क्विंटल। आगर में चना का न्यूनतम भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,390 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में चना का न्यूनतम भाव रहा 4,100 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। रीवा में चना का न्यूनतम भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,331 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात, राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, दालें हमारे भोजन का मुख्य आधार होती हैं और मूंग की खेती तो वर्ष भर की जाती है। इस समय आपके खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है या फिर हो चुकी है, खेत खाली होने की ओर है। इसके बाद यदि हम मूंग की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। मूंग की खेती में बीज का चयन किस प्रकार से किया जाए और खेत की तैयारी कैसे करें, इन सभी विषयों की जानकारी दे रहे हैं आपको हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं विनोद जाट, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान केंद्र सागर से। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती जो है उसमें सबसे पहले उसकी टाइम जो है बोनी का टाइम उसका ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन मूंग में हम मार्च की शुरुआत से अप्रैल तक इसको बो सकते हैं। उसके लिए अच्छे से पाटा लगा के 2 बार बखरनी करके खेत की तैयारी करें और जो है गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद को अच्छी तरह भूमि में मिला लें और इस प्रकार से खेत की तैयारी करें। उसके बाद जो है बीज की तैयारी करें। ग्रीष्मकालीन बीज को जो है उसमें YMB रोग ज़्यादा आता है, इसलिए आप बीज उपचार जो है उसको आवश्यक तरीके से करें। बीज उपचार में कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब और
इमेडिक्लोप्रिड दवाई और साथ में राइजोबियम कल्चर जो मूंग का आता है उसके साथ में उसका बीज उपचार करके ही बुआई करना है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए जो है बीज दर हमको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग में हमें कौन कौन सी किस्में बोना है उसका विशेष ध्यान करें। किस्मों के चयन में आपको बहुत सावधानी रखना है क्योंकि जो है बाई एमबी और दूसरे रोग और कीट रोधी किस्में बोने से हमको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। गर्मी में बोने के लिए जो सबसे अच्छी किस्में हैं उनमें से पीडीएम 139 जिसको सम्राट बोलते हैं उस जो है वो 60 दिन में पक जाती है और वाईएमबी रोधी है और इसमें हमें 12 से 15 क्विंटल एकड़ प्रति एकड़ जो है बीज मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हम बन करके बहुत अच्छी किस्में हैं, ये भी 60 से 65 दिन में पक जाती है और जो है 10 से 12 क्विंटल उपज हमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो किस्म है हम 12 उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यह भी 65 दिन में पक जाती है और जो है बाय एमबी या पीला मोजेक रोग रोधी किस्म है, आप इसकी बुआई करें। एक किस्म और अच्छी है पूसा 9531, यह किस्म भी 60 से 65 दिन में पक जाती है और जो है इसकी उपज भी बहुत अच्छी है, इसका दाना भी बड़ा होता है, तो आप जो है इन किस्मों का चयन करें गर्मी में बोने के लिए। गर्मी के मूंग के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना है जिससे कि उपज हमें अच्छी मिले। गर्मी में जो है मुख्यतः पीला मोजेक रोग जिसको MYM भी कहते हैं उसका प्रकोप अधिक होता है गर्मी की मूंग में, तो आप जो है सफ़ेद मक्खी का के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई है उसका जो है 0.05% की मात्रा का घोल बना के आप स्प्रे करें जिससे कि जो है इस कीट की रोकथाम हो सके और जो है इसके द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है पीला मोजेक रोग उसकी रोकथाम हो सके। गर्मी में मूंग में सिंचाई अति आवश्यक है, बारिश के मूंग में हमें सिंचाई नहीं करना पड़ती है क्योंकि हमें बारिश के द्वारा पानी मिल जाता है, पर गर्मी में मूंग में कम से कम 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी में मूंग बोने के बाद जो पहला पानी है वो 20 से 25 दिन की फसल में हमें देना चाहिए, उसके बाद प्रत्येक 12 से 15 दिन के बाद एक सिंचाई करना चाहिए, नमी के अनुसार सिंचाई करना चाहिए जिससे कि भूमि में नमी की कमी ना हो और उसका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से आप जो है इसमें मूंग में सिंचाई दे सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है मूंग की फसल में, गर्मी की मूंग में भी खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे खरपतवार के लिए आप फ्लूकोरेलिन दवा बुआई से पहले जो है इसका प्रयोग करें जिससे कि इसमें खरपतवार नहीं आ सके। इसके अतिरिक्त इमेजी थापर या प्रोपा क्यूजोफाप जो दवाई है उसकी 1 लीटर मात्रा का प्रयोग 500 लीटर पानी में घोलकर आप 20 दिन की क्रॉप में करें जिससे कि खरपतवार नहीं होंगे। मूंग की फसल में 45 दिन तक खरपतवार रहित होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हमें मिल सके। इस प्रकार से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और जो है जब यह फसल पक जाए, इसकी फलियां पक जाए, तो जो है इसकी तुड़ाई बहुत आवश्यक है। तुड़ाई के बाद जो है उसको सूखा कर अच्छे से कूट कर और निकाल लें जिससे कि हमें नुकसान नहीं हो और समय समय पर कल्चरल प्रैक्टिसेस करते रहें। मूंग के लिए सारी जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो सस्य क्रियाएँ अगर अच्छे से करते हैं, समय पर बुआई करते हैं, समय पर सिंचाई देते हैं, उचित खाद की मात्रा देते हैं, रोग नियंत्रण करते हैं, तो हम जो है प्रति एकड़ 5 से 6 क्विंटल मूंग की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई जो है इन बातों का ध्यान रखें और जिससे मूंग की फसल अच्छी से अच्छी पैदावार मिल जाए। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करू ना दानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग करना हमारी मजबूरी ही नहीं आवश्यकता भी है, लेकिन रासायनिक कीटनाशकों से बचना बचाना हमारा कर्तव्य भी है। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इस विषय पर और जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कामिनी विष्ट, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से। समेकित कृषि प्रणाली में हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए अन्य खेती प्रणालियों से ज़्यादा आमदनी का जरिया हासिल करते हैं। इस प्रणाली की खास बात यह है कि इसमें हम किसानों के पास उपलब्ध जल, जमीन, श्रम, ऊर्जा और पूंजी का आकलन करते हैं और उसके बाद किसानों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को देखते हुए आमदनी का जरिया देते हैं। तो इसके जो विभिन्न अवयव हैं उनके बारे में जानते हैं। तो समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न अवयव हैं जैसे कि सह फसली कृषि प्रणाली। इस प्रणाली में एक फसल के साथ दूसरी फसल ली जाती है। इस प्रकार की एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए सहायक हों, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। फिर है हमारी मिश्रित खेती प्रणाली। मिश्रित खेती प्रणाली में दो या दो से अधिक फसल एक साथ एक ही मौसम में एक ही खेत में ली जाती हैं। फिर है हमारा कृषि सहफसली उत्पादन प्रणाली। कृषि सहफसली उत्पादन प्रणाली में जो हमारे फल उद्यान होते हैं, फल उद्यानों के बीच में कुछ उपजाऊ जमीन होती है जो बेकार होती है, जिसमें हम कोई भी कृषि कार्य नहीं करते, तो उस जमीन को हम कृषि पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है हमारी कृषि वानिकी प्रणाली। कृषि वानिकी प्रणाली में हम वानिकी के साथ साथ कृषि पौधों का समावेश करते हैं। इसके अलावा जैसे कृषि सह मधुमक्खी पालन है, जिसमें हम कृषि पौधों के या कृषि फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन करते हैं और इसमें हमारे किसान भाई एक बॉक्स से 1000 से 1200 रुपये तक की अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा है मछली सह सुअर पालन। हमारे किसान भाई सुअर पालन भी कर सकते हैं और अगर वो 30 से 40 सुअर पालते हैं तो 30 से 40 सुअर पालने से इतना खाद्य प्राप्त होता है कि वह 1 हेक्टेयर तालाब में मछली पालन के लिए पर्याप्त है। फिर है हमारा मछली सह बत्तख पालन या फिर मुर्गी पालन। 300 बत्तख या 500 मुर्गियाँ रखते हैं तो इससे अभी हमें इतना खाद्य प्राप्त होगा कि वह 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के लिए पर्याप्त है। मुर्गी पालन से हमारे किसान भाई अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं और इससे उन्हें हर वर्ष 10,000 से 12,000 तक की अतिरिक्त आय मिल सकती है। इसके अलावा है हमारा मछली सह धान की खेती। यदि हमारे किसान भाई मछली पालन के साथ धान की खेती करते हैं तो धान की उपज 50% अधिक होगी और साथ ही साथ 70% अधिक पुआल भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर हम कृषि समेकित कृषि प्रणाली करते हैं तो हमारे परिवार, हमारे संपूर्ण, आपके संपूर्ण परिवार को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जो हमारे सीमांत या छोटे किसान हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार फसल, सब्जी, चारा या इत्यादि चीज़ों की उपलब्धता बनी रहेगी और जो हमारे ये बत्तख पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इससे आय के पूरक साधन भी उत्पन्न होंगे। तो किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली में यदि आप अपने क्षेत्र विशेष और जलवायु के आधार पर इस प्रणाली को अपनाते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ व उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम छोटे व सीमांत किसानों की बात करें तो वैसे तो समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं, लेकिन सबसे फायदेमंद हमारे छोटे व सीमांत किसानों के लिए है पशुपालन के साथ मछली पालन, बकरी पालन, बत्तख या मुर्गी पालन, बागवानी, फसल उत्पादन और साथ के साथ सब्जी उत्पादन। ये सभी घटक एक दूसरे के पूरक हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सभी घटक एक दूसरे के पूरक किस प्रकार से हैं। यदि हम पशुधन आधारित समेकित कृषि प्रणाली की बात करें तो इसमें सबसे पहले जरूरी हो जाता है एक तालाब का होना, तालाब या पोखर। और अगर तालाब या पोखर नहीं है तो कोई भी ज़मीन जो निचली है, बेकार पड़ी है, उसे भी तालाब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें यह होगा कि इस तालाब में हम मछली पालन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं, वो किसान भाई
इस तालाब से अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं और उन्हें सिंचाई के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो हमारे खेत के अवशेष निकलेंगे, जैसे धान की जो भूसी या खल्ली निकलती है, उसे हम अपने तालाब में डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो हम पशुपालन आधारित समेकित कृषि प्रणाली की बात करें, तो जो पशुपालन से जो हमें खाद मिलेगी उसे भी हम तालाब में डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो हमारे तालाब में जो जलीय पौधे होते हैं वो खूब बढ़ेंगे और हमारे मछलियों के लिए आहार का प्रबंध हो जाएगा। अब बात करते हैं बतख पालन की। तो बतख पालन से एक तो यह फ़ायदा होगा कि जो तालाब का पानी है वह हमेशा स्वच्छ बना रहता है। दूसरा, जो बतख पालन है, बतख हैं वो हमारे मछलियों के लिए आहार का प्रबंध भी करती हैं, और इसी कार्य में मुर्गियां भी बतख का सहयोग करती हैं, क्योंकि जो मुर्गियों की भी बीट होती है वो मछलियों के लिए आहार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। आइए अब और पहलुओं पर गौर करते हैं, जैसे कि फसल उत्पादन। फसल उत्पादन से ये फ़ायदा है कि एक तो हमें अनाज मिलेगा और दूसरा हमारे जो भूसी वगैरह है उससे हमारे जानवरों के लिए चारे का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पशुपालन में देखें तो गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध तो मिलता ही है, साथ के साथ इनसे जो हमें गोबर, गौमूत्र प्राप्त होता है उससे हम खाद भी बना सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट। और अगर हम गाय भैंस की तुलना में बकरी पालन देखें तो बकरी पालन से हमारे किसान भाई दूध तो लेंगे ही, उसके साथ अगर वो बकरी को बाजार में भेजते हैं तो वो उसका मांस बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो बकरी का मल होता है, मल अगर वो तालाब में डाल देते हैं तो वो मछलियों के आहार का काम करता है। किसान भाइयों, इसमें एक सबसे ज़रूरी बात और है ध्यान देने योग्य, वो ये है कि आप अपनी सूझबूझ से बागवानी या फिर सब्जी उत्पादन के लिए मौसम के अनुसार फल या सब्जियों का चयन करें, वो फल या सब्जी जिसकी बिक्री आसपास के क्षेत्र में आसानी से हो जाती हो। तो इस प्रकार ये सभी जो घटक हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक बनकर लाभ व उत्पादन दे सकते हैं हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आप रोजगार व मुनाफा कमा सकते हैं। आप ही जरा सोचिए कि आप साल भर तो खेती करते हैं लेकिन आपकी आमदनी कितनी होती है, बहुत कम, या है ना, ये तो सच बात है कि बहुत कम होती है। तो यदि हमारे किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो इस प्रणाली को अपना कर वो कम जमीन में भी अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ना रुकेगा तू, ना झुकेगा तू, कमर कसो सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा ए, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। आज के अंक के माध्यम से प्रस्तुत जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर अग्रसर करते हुए एक बार फिर आप सभी को होली के पावन पर्व पर कृषि दर्शन परिवार की ओर से अनेकों शुभकामनाएं और बधाइयां। अगले अंक में
फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।